नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू तिवारी एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे ब्लॉग चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो एक मदद के लिए है, आप लोग प्लीज़ इनकी हेल्प ज़रूर करिएगा। इससे पहले मैं आप लोगों को सावधान करना चाहती हूं, अलर्ट करना चाहती हूं कि कृपया सावधान रहें। वैसे होने को कोई नहीं डाल सकता, जो होना है वो होके रहता है, उसे हम नहीं रोक सकते हैं। फिर भी हम चीज़ों से सीख लेते हैं और किसी को सुनते हैं देखते हैं तो उससे थोड़ा सावधान सतर्क रहते हैं। और अपनी समस्या थोड़ी सी बता दें कि इस समय मैं वीडियो ब्लॉग पर नहीं बना रही हूँ, कभी कभार शॉर्ट वीडियो एक दो डाल रही हूँ। आप लोग मेरी वीडियो को देखते ही नहीं हो तो मेरी इतनी ज़्यादा मेहनत का क्या परिणाम मिलता है मुझे, मैं क्या करूँ। मेरी तबीयत भी खराब हो जाती है सोचते विचारते टेंशन में, मतलब मुझे लगता है कि मेरी मेहनत एकदम बर्बाद हो रही है। बस आप लोग मेरा साथ नहीं दे रहे हो और सपोर्ट के लिए वीडियो बना रही हूँ, आप लोग इनकी हेल्प जरूर करिएगा। इस समय मुझे बुखार और एकदम गला मेरा सूख जा रहा है, मतलब गर्मी का जो मौसम आया है इसमें लगभग सारे लोगों को यही प्रॉब्लम है। तो थोड़ा सा आप अपने घर पर ग्लूकांडी और इनर्जेल वगैरह रखिए, पीने के लिए नींबू पानी पीजिए और बाहर बहुत ही जरूरी हो तभी धूप में जाइए। वैसे गर्मी में हर बार मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, कल मैं दवा लेके आई हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों से बता दूं, किचन में काम करने से पहले हमारी बहनें, ज़्यादातर हमारी बहनें ही किचन में काम करती हैं, भाई तो कम ही करते हैं। जैसे कि मेरे तिवारी जी की तरह 10 ही 5 लोग होंगे कि जो कि बाहर रह के अपने हाथों से खाना पका रहे हैं, और बाकी के लोग तो अपनी फैमिली साथ में रखते हैं, चाहे वो फर्स्ट बार आई हो तुरंत लेके चले जाते हैं, चाहे ऐसे तैसे कैसे करके, लेकिन साथ में ही रहते हैं। और या कुछ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, अपने माता पिता से दूर हैं, अकेले रहते हैं, बनाते खाते हैं, उनको ये समस्या हो सकती है। तो कृपया भोजन बनाने से पहले आपको कुकर में अगर आप दाल चावल पका रहे हैं तो उसको अच्छे से साफ सुथरा माजिए। माजने के बाद उसकी सीटी को ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और गैस को कभी भी कुकर में खाना बनाते वक्त, दाल चावल जब भी आप पका रहे हों, या सब्जी भी कोई कोई लोग बना लेते हैं भून के उसके बाद पलटी मार के फिर चावल बनाते हैं, तो इसको थोड़ा चेक करेंगे सीटी वगैरह कुछ कचरा ना फंसा हो। और खाना बनाते वक्त कुकर और गैस पर आप वहाँ से हटे ना, छोड़ करके नहीं हटना है आपको। अगर आप छोड़ कर चले जाते हैं या भूल जाते हैं तो भी ये सब समस्याएँ होती हैं, और इसका परिणाम हमें क्या भुगतना पड़ता है, जिनके साथ हुआ है वही जान सकते हैं। ईश्वर ना करे कि किसी के साथ हो, किसी का चेहरा जल जाता है, किसी का हाथ जल जाता है, यहाँ तक कि कोई बच ही नहीं पाता है, इतनी ज़्यादा समस्या होती है। पहले क्या था कि चूल्हे पर हम खाना बनाते थे और भदेली में यानी पतीले में दाल पकाते थे, कढ़ाई में सब्जी बनाते थे, वो तरीका अलग था और बेटर था हम लोगों के लिए। लेकिन अभी क्या है कि लोगों की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी और महंगाई के चलते लोग जितनी जल्दी काम हो जाए उतना सही समझते हैं, इसकी वजह से कुछ ना कुछ समस्याएं जीवन में आ रही हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं, हम थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लिए हैं इनका और आप लोग को बता देते हैं कि आप लोग इनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं। प्लीज़ आप लोग इनकी हेल्प ज़रूर करिएगा। ये हैं किरण साहनी और दिल्ली की रहने वाली हैं, मैंने इनको नहीं देखा था, नहीं जाना था, ये आप देख सकते हैं यूट्यूब वाले बाबा हैं जो कि इनकी मदद के लिए इन्होंने अपने इंस्टाग्राम आईडी पर इनका वीडियो मेंशन किया हुआ है, इन्हें डाला है, आईडी को मेंशन अपने कमेंट बॉक्स में किया था लोगों से मदद के लिए। सो अभी दूसरा वीडियो मैंने नहीं देखा है, बाबा के साथ में इन्होंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था, मैंने देखा था, 600 के आसपास कुछ जो है सब्सक्राइबर थे। तो यहाँ से देख कर ही मैंने जो है इनके चैनल को सब्सक्राइब किया है। और अदर मैं एक हाउसवाइफ हूँ, इतना टाइम नहीं मिलता है, लेकिन जो परेशान है और गरीबों की मदद करना तो हम लोगों का फर्ज बनता है। अगर हम सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, फेसबुक पर हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, तो जो भी लोग ऐसे हैं उनकी हेल्प जरूर करनी चाहिए। और इनका क्या हुआ है कि कुकर से खाना बनाते वक्त इनका फेस आप लोग देख सकते हैं जिम जल गया हुआ है, और ये घर की अकेली बेटी हैं किरण साहनी, जो कि अपना घर खर्च जॉब भी करती हैं, घर का खर्च अपने चला रही हैं। वीडियो में सारी चीज़ें जब ये डिटेल में आप लोगों को खुद ही बताएंगे, अगर आप लोग इनके वीडियो को देखेंगे धीरे धीरे, अभी तो शुरुआत है। तो ये यूट्यूब वाले बाबा के पास आई हैं और बाबा ने इनकी मदद की है। आशा करते हैं कि आप सब जो भी मेरे भाई बहन हैं, अदर व्यक्ति जो हैं, जैसे सबकी मदद आप लोगों ने किया है गरीबों की, या कुछ लोग चमक धमक दिखाते हैं तो उनकी भी लोग मदद करते हैं, ठीक उसी प्रकार से इन सिस्टर की भी आप मदद कीजिए। सोचिए इतने बड़े यूट्यूबर हैं और इतने बड़े जो है इंस्टाग्राम पर भी इनके 2 से ऊपर मिलियन फॉलोवर हैं, और यूट्यूब पर भी हैं बाबा जी के 2 मिलियन 2 लाख हैं जो है इनके फॉलोअर इंस्टाग्राम पर, आप देख सकते हैं। इसका कोई भैया रिजेक्ट अलग हो जाए मैं नहीं दिखाऊंगी, भाई कुछ कह भी सकते हैं लोग।
मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है कि मेरा ही खराब हो जाए, फिर भी इनके इतने फॉलोवर हैं और मैं इनकी फ़ैन हूँ, मतलब कभी मैसेज करती हूँ, लेकिन इंस्टाग्राम पर अक्सर मैं इनकी रील्स देखती रहती हूँ। लोगों की मदद करते हैं भैया जी, अभी इनकी तो शायद शादी नहीं, अंशु मौर्या करके नाम है भाई का, तो जिन्हें भी मदद चाहिए। देखिए कुछ लोग तो बड़े हो जाते हैं लेकिन लोगों की मदद नहीं करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कि लोगों की मदद करके ही आगे बढ़ते हैं, तो आप लोग भी यहाँ पर कोई किसी की मदद नहीं करता है, लेकिन इनका दिल देखिए। मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। भैया मैं तो यहाँ पर बहुत दिनों से मेहनत कर रही हूँ, आप लोगों का साथ चाहती हूँ, और मैं कहीं किसी के पास आ जा नहीं सकती, घर से ही लोगों से मदद मांगती हूँ कि मेरे चैनल को भी आप लोग सपोर्ट करिए। वैसे मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरे दो बच्चे हैं और फैमिली में सारे लोग हैं जो कि मैंने नहीं बताया है। परिवार मेरा बड़ा है यहाँ का भी, लेकिन इतना बड़ा नहीं है, मायके जितना नहीं, मायके में बहुत ज़्यादा फैमिली है। तो किरण साहनी का मैं चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ज़्यादा कुछ कहना नहीं है मुझे। आप लोग इनकी हेल्प करिए और मेरा भी मदद कीजिए आप लोग, ताकि मैं भी लोगों की अपने जरिए मदद कर पाऊँ, और इनकी हेल्प करना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को सावधान करूंगी, खाना बनाते वक्त प्लीज आप लोग, पता नहीं कौन सी गलती से किससे कैसे ऐसा हो गया, सो बचने की सोचिए और इनकी मदद कीजिए, ताकि ये देखिए मदद का ये मतलब होता है कि आप अपने घर से अपनी कमाई हुई दौलत को किसी को मत सौंप दीजिए। हाँ भगवान ने बहुत दिया है तो आप उससे भी मदद कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नेट यूज ही कर रहे हैं, बड़ी मोबाइल है आपके पास, तो आपका 5 मिनट किसी की लाइफ बदल सकता है। अगर आप उसकी वीडियो को पूरा देख लेते हैं और सहयोग करते हैं, तो बहुत सारे लोग हैं सोशल मीडिया पर, यहाँ पर लोगों की मदद हो सकती है। तो चलिए आशा करती हूँ हमारी दी हुई जानकारी से आप लोग संतुष्ट होंगे और हमारी सिस्टर किरण साहनी जी की मदद जरूर करेंगे आप लोग मेरे माध्यम से। जितने भी लोग मुझसे जुड़े हैं मेरे सिस्टर की मदद कीजिए और इन्हें भी आगे बढ़ाइए, ताकि ये अपना घर परिवार अच्छे से चला सके। मिलते हैं अच्छी वीडियो के साथ, अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना प्यार दुलार आशीर्वाद बनाए रखें। धन्यवाद।